देखिए कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर, शेर, या दोदा बेट्टा, या अमरकंटक। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हाँ बिल्कुल सही, कि पश्चिमी घाट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है पश्चिमी घाट, क्या है एक अवशिष्ट पर्वत, या एक मोड़दार पर्वत, या एक भ्रंश कगार, या एक ज्वालामुखी पर्वत। सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर सभी लोगों को आंसर बताना है। कुलदीप जी, गिरिजा जी, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर पश्चिमी घाट क्या है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर है जो वह है, क्या है विकल्प नंबर कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, एक भ्रंश कगार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, अरविंद पाटीदार जी। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीन है यहाँ पर और चार आपके सामने विकल्प दिए हैं, इसका आंसर आपके लिए जल्दी से कमेंट में बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्या इसका राइट आंसर, कि निम्नलिखित में से किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, या अरावली को। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के में उच्चतम पर्वत श्रेणी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत श्रेणी बताना है। चार विकल्प है आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चार, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत श्रेणी है अनाईमुडी, या डोडाबेट्टा, या महेंद्रगिरी, या नीलगिरी। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो क्या है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत श्रेणी है, तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। सचिन जी, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अनाईमुडी, अनाईमुडी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक सही आंसर है। यहाँ पर देखिए अनाईमुडी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वत माला का एक पर्वत है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही जो है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो सम्मिलन स्थल बताना है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का। तो आपको क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर सही बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर, अरविंद जी, शिवानी जी, क्वेश्चन नंबर पांच है आपके सामने, और अनिल सिंगर जी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पांच का यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बी। बी में क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी। देखिए
देखिए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। यह जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निसंदेह रूप से सबसे पहला नाम ऊटी का ही आता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपके लिए दक्षिणी भाग में बताना है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्डेमम आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इलायची पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ी है। कार्डेमम का हिंदी अर्थ होता है इलायची, यह भी आपके लिए याद रखना है। इसको इलायची पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर। रुचि वर्मा जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है पचमणी, महेंद्रगिरी, डोडाबेट्टा या अनाईमुडी यहाँ पर है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी में है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी यहाँ पर बी बताया उनका राइट आंसर है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है, यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अनावर्तीकरण के कारण ऐसे कर कट जटकर नीचा हो गया है, ऐसे कर जो है गोंडवाना लैंड का भी एक हिस्सा है, इसी कारण से यहाँ पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो कार्डेमम बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो सभी लोग बताएंगे और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। पीडीएफ आपके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराई जाती है पीडीएफ, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने दे दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े पीडीएफ के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर होगा तो वह है केरल, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, केरल। देखिए इलायची पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वत माला की पहाड़ी है, यह आपने पहले ही पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियां यह आपके लिए बताना है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर हैं? गुजरात में है, बिहार में है, कर्नाटक में है या राजस्थान में है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, हर्षवर्धन जी इसका राइट आंसर क्या है? गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर कौन सा होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है 1, गुजरात। गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या राइट आंसर? गुजरात, बिल्कुल सही बताया, गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियां गिरनार नाम से जानी जाती हैं। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से रामायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थंकर भगवान देवाधिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, जिनके 5वीं टोंग पर चरण है। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भगवान जो है भवनाथ में स्थित है, यह आपके लिए याद रखना है। और यह जैन धर्म से संबंधित
यह क्षेत्र है जो कौन सा, गिरनार, जूनागढ़। जूनागढ़ आपके लिए याद रखना है, गिरनार जो कहां पर है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। चार विकल्प है आपके सामने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। दीपक परमार जी, क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है, गारो, खासी और जयंतिका, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं यह कहां पर है, किस राज्य में है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, क्या है, मेघालय। मेघालय आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, मेघालय। मेघालय आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिनके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और पूर्वी, पश्चिम, दक्षिणी, गारो हिल्स मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या है राइट आंसर? रुचि वर्मा जी, अरविंद पाटीदार जी। तो क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं, 11 का क्या होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर बताना है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कौन सी, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही है। अनाई मुडी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अनाई मुडी भारत के जो है पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है, यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई कौन सी 3 पर्वत श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, तो वह कौन कौन सी हैं? आपके सामने 4 विकल्प भी दिए हैं, तो एक विकल्प का चयन करना है, और आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया यहाँ पर भूपेंद्र जी, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। हर्षवर्धन जी, क्या है, खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा, यह आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। यहाँ पर देखिए, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं कौन सी, खासी, पटकोई और अराकानियोमा। पूर्वी घाट पर्वत, इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है और यह श्रेणी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, पचमढ़ी है या पारसनाथ है या महाबलेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है आपकी पारसनाथ, विकल्प नंबर 1 यह है आपका राइट आंसर, सॉरी विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, पारसनाथ। पारसनाथ सी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, पारसनाथ आपका राइट आंसर होगा। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, उच्चतम चोटी 1350 मीटर है, यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है, यह आपके लिए याद रखना है। पारसनाथ जैन धर्म का तीर्थ स्थल है और इसे समय शिखर भी कहते हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो 4 विकल्प है आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। धूपगढ़ जो चोटी है यह कहाँ पर है, मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, बिंद रेंज में या इनमें से किसी में नहीं। तो सभी लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे धूपगढ़ चोटी स्थित है तो कहां पर स्थित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर होगा बी, सतपड़ा, सतपड़ा रेंज में है, आपके लिए याद रखना है धूपगढ़ जो है कहां पर है, सतपड़ा रेंज में, बी बिल्कुल सही बताया, यहां पर बी आपका राइट आंसर है। धूपगढ़ चोटी सतपड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है, पचमढ़ी में सूर्यास्त का जो दृश्य है वह देखने के लिए यह एक श्रेष्ठ स्थान है, आपके लिए याद रखना है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियां किसका राज्य में, किस राज्य में स्थित है, यह बताना है आपके लिए अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या आंध्र प्रदेश, तो इसका राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का, चार विकल्प है आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका राजस्थान, राजस्थान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है, राजस्थान आपका यहाँ पर सही आंसर है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है, यह भी आपके लिए याद रखना है, यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है, और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है, यहाँ पर नंदा देवी शिखर स्थित है, यह बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर तपन जी, रुचि जी, अरविंद पाटीदार जी, क्या है इसका राइट आंसर, कलू सिंह जी, अंजलि जी, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर नंदा देवी शिखर स्थित है तो कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, नंदा देवी जो शिखर है स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, बी, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, इससे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, यह बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर पवन जी, शिवानी जी, और वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, और इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा यह स्थित है तो सिक्किम, जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सिक्किम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिक्किम में है यह कंचनजंगा, तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपके लिए याद रखना है तीसरी है विश्व की, यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है, कंचनजंगा नाम की जो उत्पत्ति हुई थी तिब्बती मूल के चार शब्दों से हुई थी जिन्हें आमतौर पर कांग चेन दचोगा कहते हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है जिसका अर्थ होता है विशाल हिम की पांच निधियां लगाया जाता है, इसका अर्थ नेपाल में इसे कुंभकरण लंगूर कहलाता है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर सभी लोग आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, चार विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग एक विकल्प का चयन करें,
तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका बिल्कुल सही सी आपका राइट आंसर होगा, सी कंचनजंगा आपका यहाँ पर राइट आंसर है भूपेंद्र जी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो बताइए सभी लोग बताएंगे माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई कितनी है यह बताना है, तो सभी लोग बताएंगे। अंचल जी तो क्या है इसका राइट आंसर, गिरजा जी क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 हिमालय के सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है जो शिखर है वह कौन सा माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्या है विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर बी जो है 8848 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 8848 इसकी जो है ऊंचाई है 8848 मीटर। एवरेस्ट पर्वत इसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा, यह भी आपके लिए याद रखना है। संस्कृत में इसे कहते हैं देवगिरी, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर जो है 8800 यहाँ पर 48 है 48 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग यहां पर बताएंगे, तो बताएं क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है, और क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पर सभी लोग आंसर बताएंगे, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर है, पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली, और आपका यहाँ पर राइट आंसर है अनिल जी वह आपका विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही बताया है विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है, पालनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, पालनी। पालनी पहाड़ियां दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित हैं, यह भी याद रखना है, पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों का क्रमिक विस्तार रूप पालनी लगभग 70 किलोमीटर जो है चौड़ा और 23 किलोमीटर लंबा आपके लिए याद रखना है यह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबरीमाला बताना है, सबरीमाला कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या कर्नाटक में, चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो सभी लोग बताएंगे, विशाल जी, अंचल जी, शवानी जी, तो इसका राइट आंसर क्या है, अंसारी जी, तो आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही यहाँ पर केरल बताया है, बिल्कुल सही है हर्षवर्धन जी, केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी, केरल में है सबरीमाला स्थित, कहाँ पर, केरल में, सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, यह भी आपके लिए याद रखना है, सबरीमाला जो है एक हिंदू मंदिर है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है तो कौन सा है, उत्तर पश्चिम में बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, अरावली, विंध्याचल या हिंदू कुश या सतपुड़ा, तो चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर, दीपक परमार जी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर कौन सा है, एक बिल्कुल राइट आंसर है आपका, एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अरावली, अरावली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं
गुफाएं जो है यहाँ पर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह भी आपके लिए याद रखना है, अजंता की गुफाएं पूछा जाता है यह कहाँ पर है, तो यह है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्य? क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है विकल्प नंबर क्या है, बी। बी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर बताना है, गुरु शिखर चोटी जो है यह किस राज्य में है, यह बताना है। राजस्थान में है या गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है क्या महाराष्ट्र में है? गुरु शिखर बताना है, गुरु शिखर कहाँ पर है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चार विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग चयन करेंगे गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, राजस्थान। राजस्थान आपका यहाँ पर राइट आंसर है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबड़ा पहाड़ों में एक चोटी है, जो अरावली पर्वत माला का उच्चतम बिंदु है और 1972 सॉरी सॉरी 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, बिल्कुल सही यहाँ पर बताया था, तो आपका यह भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवराय जो पहाड़ियां हैं वह कहाँ पर अवस्थित हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर होगा क्या है, विकल्प नंबर कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर, डी। डी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। डी जिन्होंने ही बताया उनका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है यह पहाड़ियां, याद रखना है आपके लिए। बिलगिरी एवं मालगिरी की पहाड़ी, चंदन तथा सागवान के लिए सेवराय की पहाड़ियां विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों के लिए यह प्रसिद्ध हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है, यह आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे, और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, वीडियो को एक बार लाइक कर लें सभी लोग, और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएं। चार विकल्प हैं आपके सामने और आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, सी, बिल्कुल सही, सी बताया, सी यहाँ पर, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी जो पहाड़ियां है भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो अरावली पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं या राजमहल पहाड़ियां हैं या विंध्य पर्वत है? तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर भूपेंद्र जी? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर
बी सतपुड़ा पहाड़ियां। सतपुड़ा पहाड़ियां आपके लिए याद रखना है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी है इसके मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी आपके लिए याद रखना है। सतपुड़ा मध्य भारत के जो है भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह भी आपके लिए याद रखना है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और जो यहाँ पर देखिए यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़, धूपगढ़ है 1350 मीटर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, चार विकल्प है आपके सामने तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो क्या होगा। इसका सही आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची ऊंचाई वाली चोटी है तो वह कौन सी है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक में क्या, सैडल पीक। सैडल पीक आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार लगभग 300 छोटे बड़े महाद्वीपों का समूह है जिसमें कुछ ही द्वीपों पर आजादी है। अगला क्वेश्चन है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, चार विकल्प हैं, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है अरावली। अरावली आपके यहाँ पर विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा। अरावली, अरावली आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही पवन जी, अरावली आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन होगा कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर रुचि वर्मा जी आपका राइट आंसर होगा क्या है। विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर है भूपेंद्र प्रजापति जी। विकल्प नंबर एक नामचा बरवा आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, याद रखना है। नामचा बरवा हिमालय जो हिमालय की सबसे पूर्वी उपश्रृंखला है। दक्षिणी पूर्व तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में विस्तृत है। यह भी आपके लिए याद रखना है। यह विस्तार के हिसाब से यह पश्चिम में सियोम नदी से लेकर पूर्व में यरलुंग तसंगपो महान घाटी तक 180 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। हालांकि इससे भी पूर्व में और 300 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जारी रहता है। नमचा बरवा हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत जो है, इस प्रकार आपके लिए याद रखना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले।